नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलयन का पार्ट 4 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताऊंगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको 6 विधियों के बारे में बताया गया था, आज इसमें मैं बाकी की विधियों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहली विधि है नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि विलयन के 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या घुली होती है उसे ही हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। तो याद रखना है, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो घुली होती है उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ये आपको याद रखना है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। तो इसका सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और इसमें बटे में लिखना है आपको विलयन का आयतन, और यहाँ पर जो विलयन का आयतन यूज किया जाएगा वो लीटर में होगा। ये आपको याद रखना है कि विलयन का आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर विलयन का आयतन ml में दिया गया, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था मोलरता और मोललता में, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ml में दिया होगा तो आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना है। यानी कि आप ध्यान दीजिए, इस सूत्र को फिर किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये सूत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर विलयन का आयतन ml में दिया गया, तो इसमें 1000 से आपको गुणा कर देना है। और अगर लीटर में दिया होगा तो सीधे आपको यह लिखना है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बट्टे विलयन का आयतन, तो यहाँ पर इतना होगा। और अगर इसमें आपको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि अगर ये संख्या नहीं दी गई है तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए इसमें कौन सा सूत्र लिखना है आपको। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। यानी कि अगर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी गई तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे तुल्यांक की भार। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसकी जगह पर ये मान रखते हैं तो ये सूत्र किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसके जगह पे आप ये लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर ये तुल्यांकी भार हो जाएगा, और इसके बाद आपको बटे में ये लिखना है विलयन का आयतन, यानी कि यहाँ पर अब हो जाएगा ये विलयन का आयतन, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आयतन आपको ml में दिया जाएगा तो आपको 1000 से गुणा करना है, यानी कि अगर हम मान लो यहाँ पर ml ही लिख देते हैं, यानी कि ये ml में दिया गया, तो इस समय आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना है। और अगर आयतन लीटर में दिया होगा तो फिर आपको 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इसे हम लोग यहाँ पर सिंबल के रूप में लिख दें, यानी कि सभी के प्रतीक लिख दें, तो ध्यान दीजिए अभी आपको बताया गया था कि नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एन, फिर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय के द्रव्यमान को लिखते हैं W से, तो ये हो जाएगा W, फिर इसके बाद बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को लिखते हैं कैपिटल E से, ये इतना होगा, और इसके बाद बटे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल V, और गुणे में आ जाएगा 1000, ये इतना होगा। यानी कि आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल N बराबर ध्यान दीजिए W बटे E, इतना होगा W बटे E,
और गुणे, यहाँ पर आप इसे इस प्रकार लिख दीजिए, यानी कि 1000 बटे वी, तो ये सूत्र जो होगा इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और अगर इसमें ध्यान दीजिए तुल्यांकी भार दिया गया है, अगर तुल्यांकी भार भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, यानी कि सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तो अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इससे आप तुल्यांकी भार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको यही सूत्र प्रयोग करना है, यानी कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तो इससे यहाँ पर तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। तो अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 ग्राम कास्टिक सोडा दिया गया है जिसको 100 ml जल में घोला गया है, तो यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, इसे बोलते हैं NaOH। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं NaOH का द्रव्यमान, यानी कि ये आपको कास्टिक सोडा का द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा NaOH का द्रव्यमान। और इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 4 ग्राम, तो ये इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 100 ml जल में घोला गया ये भी बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को आयतन दिया गया है, तो आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 ml, तो यहाँ पर ये आयतन दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आयतन दिया गया है ये विलयन का आयतन है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं यानी कि विलयन का आयतन, तो ये विलयन का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 100 ml। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम लोग NaOH का अणु भार ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना NaOH का अणु भार, और अणु भार बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर NaOH, तो यहाँ पर पहले सोडियम है, सोडियम का होता है 23, इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा 16, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, इसका हो जाएगा 1, यानी कि जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर इसका मान आ जाएगा 40, तो ये NaOH का अणु भार हो जाएगा इतना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है, यही आपको बताया गया था इसमें कि अगर तुल्यांकी भार नहीं दिया गया तो पहले आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, तो अब NaOH का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अभी आपको सूत्र बताया गया था अणु भार बटे संयोजकता, ये सूत्र आपको यहाँ पर बताया गया था अभी, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें अणु भार हम लोगों को दिया गया है 40, और संयोजकता यहाँ पर हो जाएगी 1, यानी कि 1 से जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो भी इसका मान आएगा 40, यानी कि NaOH का तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। तो अब इसमें हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पर जो अभी आपको बताया गया था, यानी कि नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, और इसमें बट्टे में था तुल्यांकी भार, इतना दिया गया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बट्टे में जो दिया गया था वो था विलयन का आयतन, जिसे हम लोगों ने इस प्रकार अलग से लिखा था, गुणे 1000 बट्टे यहाँ पर विलयन का आयतन, जिसे हम सीधे वी से लिख देते हैं, बाकी यहाँ पर याद रखिएगा आपको बताया गया था विलयन का द्रव्यमान, जिसे हम लोगों ने W से लिखा था, तुल्यांकी भार को कैपिटल E से लिखा था। तो चाहे तो आप इसे भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा W, तुल्यांकी भार हो जाएगा कैपिटल E, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 1000 बट्टे V, तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए NaOH, अब पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है, तो यहाँ पर 4 ग्राम कास्टिक सोडा जो दिया गया था ये आपका विलेय है, यानी कि विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि ये आपको W दिया गया है। इसके अलावा विलेय का आयतन यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कैपिटल V, तो ये विलयन का आयतन यानी कि कैपिटल V इतना दिया गया है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर सारे मान रखेंगे, तो अब ध्यान दीजिए इसमें मान रखा जाएगा, तो यहाँ पर W इसका मान हो जाएगा 4, फिर बट्टे यहाँ पर कैपिटल E, और E का मान ध्यान दीजिए अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है तुल्यांकी भार 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1000 और बट्टे V,
वी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 100, इतना होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 0 0, तो 3 0 दिए गए, ये तीनों जीरो कट जाएंगे। इसके अलावा 4 से 4 को भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर नॉर्मलता जो आएगी वो 1 आ जाएगी और ये इसका आंसर होगा। और नॉर्मलता की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये जो है नॉर्मलता की इकाई यानी कि उसका मात्रक होता है। इसके बाद अगली विधि है मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए आप इसका सूत्र ध्यान दीजिए, अगर आपको सूत्र समझ में आ जाएगा तो आप इसकी सहायता से आसानी से परिभाषा समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, आपको जो विलयन बताएगा तो उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो यहाँ पर लिखा है घटक के मोलों की संख्या, यानी कि किसी भी एक घटक, चाहे वो विलेय हो या फिर विलायक, के घटक की संख्या यहाँ पर लिखनी है, और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय और विलायक दोनों के जितने मोल होंगे उनकी संख्या। तो अगर आपको परिभाषा बनानी तो आप इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक विलयन में घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। याद रखिएगा कि विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो यही इसमें लिखा गया परिभाषा में कि एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी विलयन में विलेय के मोल स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन है, यानी कि जो विलयन है उसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसका सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र के अनुसार इसमें बताया गया था कि घटक के मोलों की संख्या, यानी कि किसी एक घटक जिसका हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या आपको लिखनी है, यानी कि स्मॉल एन, इतना हो जाएगा। और फिर बट्टे में आपको लिखना था विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये सूत्र फिर इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। और इसी में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्मॉल एन होता है इसको हम लोग लिखते हैं डब्लू बट्टे एम, ये याद रखिएगा। और जो कैपिटल एन दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डब्लू बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर दीजिएगा, यहाँ पर दोनों कैपिटल। इसका मतलब यहाँ पर ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में विलेय का अणुभार, और यहाँ पर ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान और बट्टे यहाँ पर विलायक का अणुभार। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान रखें इसमें, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर विलेय का मोल प्रभाज हम लोग लिखेंगे अब इसमें, तो ये सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि ये सूत्र यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ध्यान दीजिए स्मॉल एन, इसकी जगह पर यहाँ पर स्मॉल डब्लू बट्टे एम, इतना होगा। और बट्टे में ध्यान दीजिए स्मॉल एन की जगह फिर आपको यही मान रखना है स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम, फिर प्लस डब्लू बट्टे एम, इतना हो जाएगा। तो ये सूत्र आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्मॉल एन यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, और इसके बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, यहाँ पर कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर ये विलायक का द्रव्यमान बट्टे विलायक का अणुभार। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात किया है, अगर हम लोगों को विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो ध्यान दीजिए किस प्रकार सूत्र लिखा जाएगा फिर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर, तो अब यहाँ पर हम लोग पहले
विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या को माना गया है कैपिटल एन से, ये इतना हो जाएगा, और बट्टे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि एन प्लस कैपिटल एन, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम लोग इसी प्रकार सूत्र इसको भी लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, इससे हम लोग लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर कैपिटल एन का मान लिखेंगे तो डब्लू बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम, और बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्लू बट्टे यहाँ पर कैपिटल एम। तो इस प्रकार से इस सूत्र को आप लिख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर इसको पूरा पूरा सिंबल ना लिख के सही रूप में लिख दीजिए, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार, और फिर यहाँ पर यूज होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार प्लस विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का अणुभार, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिया गया कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसमें लिखते हैं स्मॉल डब्लू बराबर 92 ग्राम और डब्लू बराबर यहाँ पर कैपिटल डब्लू बराबर इसको मान लेते हैं हम लोग 72 ग्राम। तो कैपिटल डब्लू जो है वो जल के द्रव्यमान के लिए यूज़ किया गया है और स्मॉल डब्लू जो है एथिल अल्कोहल के द्रव्यमान के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एथिल अल्कोहल दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग पहले एथिल अल्कोहल का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये सूत्र होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसके अणुभार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है C2, तो कार्बन के लिए यहाँ पर 12 और 2 कार्बन दिए गए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ×2। फिर इसके बाद प्लस H5, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और इसमें 5 हाइड्रोजन दिए गए, इसलिए ×5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए O ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा 16 और फिर हाइड्रोजन दिया गया, इसका हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 प्लस 5 × 1 = 5 प्लस 16 + 1, ये इतना होगा। इसके बाद जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 46, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एथिल अल्कोहल के लिए लिखा गया है, एथिल अल्कोहल का जो द्रव्यमान था, पर अब ध्यान दीजिए आप इसमें एथिल अल्कोहल को यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल डब्लू माना था, तो इसके जो अणुभार होंगे उसको लिखा जाएगा स्मॉल एम से। तो अब हम लोग C2H5OH का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए C2H5 के लिए स्मॉल डब्लू माना गया था, इसलिए यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो ये लिखा जाएगा स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम, बट्टे में हो जाएगा स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम। तो यहाँ पर ये इतना प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ कैपिटल एम जो दिया गया है वो जल का अणुभार होगा, तो आप चाहे तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए जल यानी कि H2O। तो इसका अणुभार जब हम लोग लिखेंगे तो M बराबर ध्यान दीजिए H2 लिखा है, यानी कि 1 × 2 + 16 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18, तो इसका मान आ जाएगा 18। तो अब ध्यान दीजिए इसमें अब हम लोग सारे मान रखेंगे, तो यहाँ पर स्मॉल W इसका मान दिया गया है 92 बट्टे स्मॉल M इसका मान निकाला गया था 46, ये इतना हो जाएगा। फिर बट्टे यहाँ पर फिर हो जाएगा 92 बट्टे 46 और प्लस इसके बाद कैपिटल डब्लू, इसका मान हम लोगों को दिया गया था 72 और बट्टे में कैपिटल एन का मान निकाला गया यहाँ पर 18, तो ये इतना होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो 46 × 92 यहाँ भी कट जाएगा, 46 × 92 और 18 × 72 ये इतना हो जाएगा, यानी कि ऊपर बच्चे यहाँ पर अंश में 2 और बट्टे में हो जाएगा 4 × 2 = 6, तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर 6 से 2 को भाग करेंगे तो 6 से 2 को भाग करने पर इसका मान आएगा 0.333, तो यहाँ पर ये C2H5OH के मोल प्रभाज हो जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से हम लोग जल का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब जल का मोल प्रभाज इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना, तो जल को कैपिटल W से लिखा गया था, तो कैपिटल W बट्टे कैपिटल M यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल W बट्टे स्मॉल M प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। बस आपको ये सिंबल सही से याद रखना, यानी कि प्रतीक चिन्ह इसके लिए आपको भी बताया गया है। अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो कैपिटल W यानी कि जल के लिए, तो इसका मान यहाँ पर 72
और इसका अणु भार था यहाँ पर 18। इसके बाद यहाँ पर एथिल अल्कोहल के लिए होगा तो इसका द्रव्यमान था 92 और अणु भार था 46, इतना होगा। प्लस इसके बाद फिर यहाँ पर मान रखेंगे तो यहीं पर आएगा 72/18। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग फिर से भाग करेंगे तो यहाँ 18 चौको 72, 46 दूना 92, फिर 18 चौको 72, यानी कि ये आएगा 4 और बट्टे में हो जाएगा 6, इतना आएगा। अब इसके बाद जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, इतना कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 से इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.666। इस प्रकार से ये संख्या आती रहेगी यहाँ पर, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप मोल प्रभाव जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो बीच में ध्यान दीजिए, एक नोट पॉइंट दिया गया कि विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। तो आपको मोलरता के बारे में बताया गया है और नॉर्मलता के बारे में बताया गया, तो इनमें क्या संबंध होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं मोलरता, ये याद रखना है आपको, इसकी जरूरत भी आपको न्यूमेरिकल हल करते समय पड़ेगी। तो मोलरता गुणे विलेय का अणु भार, याद रखना है आपको यहाँ पर, मोलरता गुणे विलेय का अणु भार, और बराबर में लिखते हैं इसमें नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर जो तुल्यांकी भार यूज होगा वो विलेय का यूज होगा, आपको याद रखना है यहाँ पर तुल्यांकी भार। तो ये संबंध होता है मोलरता और नॉर्मलता में, मोलरता गुणे विलेय का अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। या फिर आप यही संबंध दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे यहाँ पर अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर इसके अलावा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, या फिर इसी संबंध को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो यहाँ पर दो सूत्रों के द्वारा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अगला है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज और गुणे 1000, इतना होता है। और इसमें यहाँ पर हम लोग बट्टे में जो है विलायक का मोल प्रभाज और गुणे विलायक का अणु भार यहां पर यूज करना है आपको, विलायक का अणु भार। तो इस सूत्र के द्वारा जो है मोललता व मोल प्रभाज में संबंध को व्यक्त किया जाता है। तो ये होता है मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000 और बट्टे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणु भार। तो बाकी के टॉपिक्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।